हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के सीट्स और डीम यूनिवर्सिटी के कॉलेज के चॉइस फिलिंग की जाएंगी, जो कि कल से शुरू हुआ था 7 बजे से, अप्रॉक्स 7 से 8 बजे के बीच में चालू हुआ था। तो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बिना आपका टाइम वेस्ट किए दिखाऊंगा, आपको समझाता चलूंगा। इस चैनल में आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं किया जाता, या आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको ये फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रखना है। अब मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जिस पे आप ओटीपी को रिसीव कर सके, और जो आप रखे थे वही कोशिश कीजिए रखने के लिए। तो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगी, आप सिंपली उसको कर दीजिएगा, जिस तरह से आप व्हाट्सअप खोलते हैं, जिस तरह से फेसबुक लॉग इन करते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। ओटीपी आएगी, बस उसको फिल कर देना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इंटर कैप्चा करना है कोड को, फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद यह पेज खुल किया जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, रैंक, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आएगा। आपको सभी चीज़ें एकदम सेम मैच कर लेनी है, अपने रैंक अपने लिस्ट से, एडमिट कार्ड से, या तो जो कन्फर्मेशन लेटर आता है उससे आप मैच कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट काउंसलिंग में आकर आपने डीम किया होगा, तब डीम आएगा ऑप्शन में, केवल ऑल इंडिया कोटा किया होगा तो वो आएगा। इसके पहले भी एक पेज होगा, ये तो मैं फाइनल बता रहा हूँ सब रजिस्ट्रेशन में लिखने के बाद। फिर आएगा आपको 5,000 रुपये देना है ऑल इंडिया के लिए और 2,00,000 देना है डीम यूनिवर्सिटी के लिए। आपकी बाकी चीज़ें यहाँ पे दी होंगी, आप उसको मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी, जिसमें आपका ईमेल आईडी, ये सब आपको मांगा जाएगा पहले, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें, कंप्लीट मेलिंग, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद रोल नंबर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो रोल नंबर, रैंक, ये सब आएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा एक, जिसमें आपको लॉगिन करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिएगा, इससे आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप पेमेंट कर देंगे, फिर पेमेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुली दिखाई देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जिससे आप यहाँ से आप देख सकते हैं पेमेंट करने के बाद ये आपका मेन ओपन खुल जाएगा, वहाँ से आप चॉइस फिलिंग भी यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें कुछ वीडियो में खास नहीं था, बस आपको एक बार दिखा दिया गया किस तरह से प्रोसेस होता है। आप इसको करते रहेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्टेप पर आपका रुक जा रहा है, तो या तो उसका रीज़न हो सकता है कि सर्वर डाउन होगा तभी रुक रहा है, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, अभी 25 तारीख तक टाइम है, तो धीरे आप करते रहिए। बस आप डिसाइडर रखिए आपको चॉइस फिलिंग कैसा करना है। चॉइस फिलिंग के रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और यूट्यूब पर कई वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।